थोड़ा ऐसे दुखती नस पे हाथ रख दिया है तो दुखती नस पे तो वो मतलब बोल ही देता हूँ, मतलब मिनिमम स्टेप का जो है वो कितना है फर्स्ट ईयर का? फर्स्ट ईयर 2000 ओके, सेकेंड ईयर 2500 ओके, एंड थर्ड ईयर 3000 जो हमारे पीरियड में मिनिमम स्टाइपेंड था वही मिला था, एंड 500 कन्वेंस देते थे ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ओके, बट फिर भी मतलब तो फर्स्ट ईयर में कितना था 2000 या थर्ड सेकेंड ईयर में 2500 और थर्ड ईयर में 3000 देते थे और ये तो देते, बट कम ऑन दिस इज द एज टू लर्न एंड नॉट अर्न, आर यू क्लियर? ओके, और बिग फोर के अभी के स्टाइपेंड आप पता हो तो वेरी गुड। तो मतलब सर ने जैसा बोला कि इट शुड नॉट बी द गाइडिंग चॉइस टू सेलेक्ट कि मेरा जो आर्टिकल स्टाइपेंड है वो उससे आप सेलेक्ट करो, वो नहीं होना चाहिए फैक्टर, लेकिन भी मतलब बताने की है कि बिग फोर में PwC and Deloitte is giving 10, 15 and 20. 10,000, 15,000 और 20. कुछ लोग तो मुझे ऐसा बोलते हैं, कुछ CA 20 बाद में भी नहीं कमाते. I don't know. हमने तो ऐसे CA नहीं देखे. कमाते ही हैं. 10, 15, 20. Okay. And दूसरा जो EY and KPMG है, they are giving 15,000, 20,000 and 25,000. 15, 20 और 25,000 तक का stipend है third year के article को. मतलब हट करो और यानी जितना गोपाल एक साल में नहीं कमाया उतना वो एक महीने में कमा जाता है, सोचो ना थर्ड ईयर का आर्टिकल इज अर्निंग 25 और इधर वो, नॉट अ वैलिड कंपैरिजन बट स्टिल आई वुड लाइक टू से डीमोटिवेट ना होइए, ये चॉइस करने का होना ही नहीं चाहिए ऑप्शन के लिए, क्योंकि मेन 3 साल होते हैं लर्निंग के लिए, आपको लर्निंग रखना चाहिए, ऐसा बोलते ना दुनिया में, हाँ स्टाइपेंड के लिए आप ना, परफेक्ट दुनिया में ऐसा बोलते हैं फर्स्ट फोकस ऑन लर्न एंड देन यू कैन अर्न, तो पहले सीख लीजिए, पैसा कमाने की उम्र अलग है, आप ऐसी स्किल सीखिए, ऐसी सेल्स की स्किल सीखिए, ऐसा स्किल सीखिए आप लेटर 10x कमा सको, 10 गुना कमाना है, पैसा कोई चॉइस नहीं है, देखना ही नहीं है, नॉर्मल फॉर्म हो बिग फॉर्म वही फॉर्म चूज करें जो आपको पसंद है, लेटर आप इतने कमाना कि खुद का बिग फाइव चालू करना ना, ये विजन होना चाहिए अपना कि बिग फाइव अपना होना चाहिए बिग फोर के बाद, आर यू क्लियर? ओके, उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मतलब हमारे टाइम पे भी मतलब यही बात मतलब क्वेश्चन आता रहता था कि मतलब ये मतलब स्टाइपेंड का क्या है, मतलब इतना कम क्यों है ये सब, बट हमको मतलब पहले से ही आइडिया था कि जैसे इनको भी आइडिया हो गया होगा हमारे बात से कि मतलब कम मिलता है, बट वो गाइडिंग प्रिंसिपल है ही नहीं, मतलब आपको मतलब ऐसा देखना नहीं है कि आपकी पॉकेट कितनी, इसी के लिए शायद नाम इसका इंटर्नशिप है, सीखने जा रहे हो आप, सीखने जा रहे हो, आपको मतलब कमाने के लिए नहीं जा रहे हो, वो पहले से ही क्लियर होना चाहिए फिर आप सिलेक्ट करो। ओके, नेक्स्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द वर्किंग स्टाइल? ऐसा बोलते हैं बहुत डॉक्यूमेंटेशन होता है बिग फोर में, नॉर्मल फॉर्म में जल्दी जल्दी काम हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन इतना नहीं होता, क्या वर्किंग स्टाइल होता है, कैसे काम करना होता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स के द्वारा काम करते हैं आप लोग और नॉर्मल फॉर्म में कैसा होता है? बिग फोर में वर्किंग स्टाइल इस तरह से रहता है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे होता है, ओके, हर चीज मतलब इवन क्या क्लाइंट ने आपको क्या बोला है वो भी, मैं एज ऑन दिस डेट क्लाइंट हैज सेड दिस, सो इस लेवल का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है, यू गॉट योर ओन लैपटॉप डोंगल तो आपको कहीं पे भी जाना है, कहीं पे भी छोटी फॉर्म वाले कोई सुन रहे हैं या नॉर्मल तो लैपटॉप भी देते हैं, लैपटॉप भी देते तो आप ऐसे बाद में ऑफिस रख देना होता होगा, ऐसा होता लेके ही जाओ, ओ माय गॉड लैपटॉप भी देंगे आपको, मूवी देख सकते हैं, लेकिन आर्टिकल शीट खत्म होने का देना होता है, ओके हां वो तो देना ही है, हां वो है, और आप कहीं पे भी जाओगे तो वहां लेके जाना है क्लाइंट के पास, कि लैपटॉप लेके जाओगे तो आप डॉक्यूमेंटेशन एक्सटेंसिव लेवल पे होता है, उनके खुद के प्री डिजाइन वर्क पेपर्स वगैरह होते हैं उसी में हमको काम करना होता है, उनका खुद का डेटाबेस होता है, उनकी कुछ टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर भी होते हैं लाइक डेटा ऑडिट करने में बहुत सारी चीजें वो यूज लेते हैं, डेटा क्रंचिंग करने के लिए वो यूज लेते हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अगर बिग फोर में होते हो तो वहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो बाद में आपको इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, वो एक्सेल बहुत लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है एक्सेल, आपको एकदम मास्टर हो जाता है एक्सेल के अंदर, सो इस तरह से वर्किंग स्टाइल रहता है कि थोड़ा फॉर्मलाइज्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन, एक और कोट भी बोलते हैं मतलब ओके, वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड इज नॉट डन, बराबर, अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं किया तो होता नहीं, इससे होता क्या है अमूमन इंसान थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाता है, कोई भी काम आपने किया हो अगर आप वो लिखते नहीं है तो वो काम हुआ ही नहीं, हर चीज माइन्यूटली लिखना है, बाकी रिव्यू में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे सर ने बोला कि बहुत प्लानिंग लेवल पे काम होता है, आप सिस्टमेटिकली काम करना होता है तो आप खुद में भी थोड़ा चेंज आ जाता है कि आप सिस्टमेटिक वे में काम करने लगते हो, एंड दूसरा रिव्यू, इसमें लाइक आपने एक काम किया है तो उस काम का 3 से 4 बार रिव्यू होगा, ओके, नेक्स्ट लेवल पे, और रिव्यू बहुत मतलब सर अगर बिग फोर से बहुत ही
बहुत रिव्यू की सबकी मेमोरीज होती है कि मेरा रिव्यू ऐसा बोलना नहीं, जब फट जाती है ऐसा बोलते हैं जब पार्टनर रिव्यू अगर होते हैं तो उससे सीखते ही आप, नो डाउट, बट एक सबकी मेमोरीज होती है कि रिव्यू बहुत एक्सटेंसिव लेवल और इतना ज्यादा ये लोग एक चीज को देखते हैं, कभी कभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस नाम की चीज जो होती है उसमें कई बार लोग महीना भर भी निकाल देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होता है ओपेक्स बोलते हैं बिग फोर में, उसको चेक करने को एक कंपनी रिलायंस एयरटेल वोडाफोन का ऑपरेटिंग एक्सपेंस चेक करने में एक महीना निकल जाता है और छोटी फर्म में एक महीने में कितने ऑडिट हो जाते हैं, एक महीने में मतलब अराउंड आप चाहो तो 3 से 4 ऑडिट तो मिनिमम हो, 4 ऑडिट खत्म हो जाते हैं इधर तो। और कुछ कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं 30 दिन में 15 ऑडिट हो गए मेरे, और बिग फोर वाले को बोलो तो वो तो शॉक हो जाएगा, वो ये करते क्या है, कम ऑन, स्टाइल्स आर डिफरेंट, वे ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट, टर्नओवर इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। जैसे ये बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक महीना, हमारा एक घंटे में हो जाता है, एक घंटे में ऑपेक्स हो जाता है, तो ये लॉट ऑफ कोइंसिडेंसेस देयर। ओके, आप में कैसा स्टाइल होता है, डॉक्यूमेंटेशन ऐसा होता है? हाँ होता है डॉक्यूमेंटेशन, बट इतना कुछ मतलब इतना स्ट्रिक्ट लेवल में नहीं, मतलब करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन और खुद का ही फॉर्मेट बनाया हुआ होता है उसके हिसाब से। तो कोई रिव्यू भी होता होगा? रिव्यू मतलब बोले ना महीने में एक बार दाव लगे। ओके, एक बार कुछ प्रॉब्लम हो बाकी, मतलब किसी का मतलब किसी को ऐसे फ्री बैठे हुए देख लिया है ऐसा कुछ हुआ तो भाई पार्टनर फ्री बैठे हैं तो बाकी ऐसा कोई काम चेक नहीं करता कोई ऐसा खास ना, इतना कुछ मतलब बोले ना इतना रिव्यू वर्क। और ये तो भी मिड साइज फर्म में है, स्मॉलर फर्म्स में तो बिल्कुल काम चेक नहीं होता है, बट कोई बात नहीं, तो उसमें भी सीखने मिलता है। पूरा क्लाइंट आप ही हैंडल करते हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है पूरी एंटिटी मेरे ही हाथ में, बराबर। तो ये बोथ हैव डिफरेंट स्टाइल एंड डिफरेंट वे। नेक्स्ट सवाल अक्सर स्लो का होता है, क्या स्टडीज अफेक्ट होती है, हमें लीव कम मिलती है बिग फोर के अंदर तो मेरी स्टडीज बहुत अफेक्ट हो सकती है, पता नहीं ये क्या होगा, और नॉर्मल फॉर्म में लीव ज्यादा मिलती है तो मैं नॉर्मल फॉर्म ले लेता हूँ। देखो सीए फाइनल की प्रिपरेशन के लिए लीव लगता है तो ऐसा बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म में ज्यादा मिलती है बिग फोर में कम, तो मैं बिग फोर चूज नहीं करूंगा बिकॉज लीव नहीं मिलती, और लेक्चर्स भी बाद में बहुत सारे मैं अटेंड नहीं कर पाता, लाइव जानते हैं इन दोनों से बिकॉज दे कैन गाइड अस बेटर, आई थिंक। बोलिए स्टडीज का ऐसा है कि हाँ मैं भी उस समय था तब क्वेश्चन यही आता था कि आप पढ़ाई नहीं होगी बिग फोर में, ये वो ये लेक्चर पढ़ने नहीं देंगे ये लोग, ऐसा है। तो उसमें ऐसा है कि मतलब मैंने सर से भी बात की थी कि हम लोग कुछ 11 जने थे एक साथ में, मतलब एक ग्रुप के अंदर, तो 11 के 11 पीडब्ल्यूसी में थे, तो उस 11 में से हम 10 जनों ने एक फर्स्ट अटेम्प्ट में अंदर क्लियर कर दिया था, और एक 11 में से 10 लोग पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गए थे। और लीव कितनी मिली थी? लीव मिली थी वैसे जो ट्रेंड रहता है बिग फोर के अंदर 4 से 5 महीने मिलता है आपको, वही आपको लीव मिलती है, सबको 4-5 महीने ही होता है। ओके, हाँ, और जो एक बंदा जो रह गया था उसने भी ये ग्रुप क्लियर कर दिया था। ओहो, तो यानी ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट ही बोल सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं गिरता कि आप बिग फोर में मिड साइज में हो। और वो गोपाल भी मानेगा आप मिड साइज से भी बहुत जने हैं जो क्लियर नहीं कर पाते डिस्पाइट बहुत टाइम, तो वो तो फैक्टर है ही नहीं कि टाइम कम मिलता है ज्यादा मिलता है, आप में अगर है ऐसा मतलब रहता है हमारे आज उधर एक तरह का ग्रुप मिलता है, अगर अच्छे लोगों से मिलते हैं ना तो आप खुद भी पढ़ने लगते हो और कम टाइम में भी बहुत कुछ कवर कर लेते हैं। आजकल तो वर्चुअल से सर भी कर रहे हैं, वर्चुअल के कारण बहुत हेल्प मिलता है कि आप कहीं पे भी पढ़ सकते। अगर आपने EIS और SM के लेक्चर अब तक नहीं खरीदे और आप देख रहे हो, प्लीज हमारे लेक्चर खरीदिएगा, बेस्ट क्वालिटी ऑफ लेक्चर आते हैं, थोड़ा मेरा मार्केटिंग भी जरूरी है। तो मतलब स्टडी के रिलेटेड अगर बताना चाहूँ तो मतलब वर्चुअल क्लासेस अच्छे होते हैं जैसे आप, बट मेरा फेस टू फेस में पहले आपको नहीं, ऐसा नहीं है, देखो लीविंग ऑल थिंग्स असाइड, फेस टू फेस इज ऑलवेज बीन द प्राइमरी सोर्स। ओके, आज भी फेस टू फेस उतना ही महत्व है, फेस टू फेस में इंसान को, आपको पहले से ऐसा ही था कि मुझे फेस टू फेस ही, मुझे पहले से ऐसा था क्योंकि मेरी है ना क्वेरीज बहुत ज्यादा होती है। ओके, और कभी कभी ऐसा होता है कि टीवी में देख के इंसान को बोर हो जाता है, मतलब वो भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि उधर भी क्वेरी सॉल्व हो रही हो, वर्चुअल पे भी हो सकती है क्योंकि काफी कवर मतलब आप 100% पोर्शन कवर कर लेते हो, बट मेरे को है ना ऐसे थोड़ा क्वेरी और मतलब ऐसे फ्रेम कर लेता हूं। I think he has always been of that mind कि मुझे यार फिजिकल कोचिंग में मजा आता है, कोई सामने है तो आई कैन आस्क माई क्वेरीज, इंस्टेंट सॉल्व हो जाएगी, एक सेटिस्फेक्शन अलग होता है। तो ऑफ कोर्स डज इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, दोनों का ही अच्छा है, दोनों का ही अच्छा है। जो उसने बोला कि क्वेरीज का है, क्वेरीज नो डाउट क्लियर, लेकिन आपके पास जो ऑप्शन होता है वो वर्चुअल्स का ही होता है, तो यू कैन डेफिनेटली दोनों ही। और क्वेरीज का ऐसा है कि आपका ग्रुप बनता है व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, तो आप उसमें क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, तो इसमें क्वेरीज का भी रिजॉल्व होता है, लेकिन फैकल्टी सामने नहीं होता ये बात है। और मेरा मतलब ऐसा था कि स्टडी का मतलब टाइम मिल गया था, ऐसा नहीं था कि कोई प्रॉब्लम। कितनी लीव मिली थी आपको?
मेरे को मतलब 5 to 6 months था, तो मतलब डिपेंड करता है कि कैसे आपकी लीव मतलब पहले रह चुके हो उसके ऊपर से 5 या 6 months होता है। अक्सर 6 months की लीव हमें मिलती है नॉर्मल में, और इसमें 4 to 5 मिलती है, but I don't think it makes a difference. I've seen lot of people जो डमी आर्टिकलशिप करते हैं उनके पप्पा ही सीए होते हैं, एक दिन ऑफिस नहीं जाते, जो भी 5 अटेम्प्ट आते हैं, 6 अटेम्प्ट आते हैं, 7 अटेम्प्ट आते हैं, ऐसे भी लोग देखे 3 महीने के अंदर दोनों ग्रुप फाड़ के रख देते हैं, राइट? तो इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन यू, कम ऑन आप, और अगर संगति अच्छी हो ना और नॉर्मल फॉर्म हो कि बिकू, सब होशियार होशियार बच्चे ही साथ में है या बहुत सारे होशियार साथ में है, तो आप इजिली क्लियर कर दोगे। गुड कंपनी मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई रिमेम्बर मैं जिस फॉर्म में काम करता था, सबसे अगर कोई ऐसा आर्टिकल होगा जो सबसे डम है या सबसे कम मार्क आते तो मुझे याद है, मेरे आसपास सब रैंकर थे, एक 4th रैंकर लड़की 34th रैंक, दूसरा वाला 23rd रैंक, ये खाली मुझे बोलते थे ना तो मुझे ऐसा लगता था यार यार इनका 10% भी कर लिया मैं क्लियर कर जाऊंगा। इन सबके रैंक वापिस आए, मेरा फाइनल में भी रैंक नहीं आया, बट पहले अटेम्प्ट में मैंने क्लियर क्यों किया, 4 महीने लीव थी खाली, उसका श्रेय खाली जाता है उन सब आर्टिकल्स को जिन्होंने मेरा हेल्प किया। बिग फोर में अक्सर ऐसा भले है कि कम नील है, रिजल्ट अच्छा आता है, बिकॉज सब लोगों को पता है क्या पढ़ना है, और कुछ कुछ लोग तो जो डिपार्टमेंट में वो काम करते थे वे दे बिकम एक्सपर्ट ऑडिट के अंदर। क्या प्रैक्टिकली कुछ काम आता है आपको बुक्स में भी? तो डेफिनेटली काम आता है। उसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि मेरे जो फ्रेंड्स समझो क्लियर हुए, उसने 3 जना रैंक भी लाए, 26 रैंक लाया, तो वैसा है कि रैंक भी आती है, ऐसा इशू नहीं है। दूसरा चीज सर भी बताएंगे कि बिग फोर के अंदर एक ट्रेनिंग बहुत होती है आपकी, हर फ्राइडे को ऑलमोस्ट या फिर महीने में एक आध ट्रेनिंग तो हो ही जाती है, जिसमें बहुत सारी चीजें कवर कर लेते हैं, बी टैक्सेशन, बी एनीथिंग, मतलब बहुत जो रिसेंट अपडेट आया उसकी ट्रेनिंग्स होती रहती है। और ये ट्रेनिंग्स वॉलंटरी नहीं, कंपलसरी आपको अटेंड करना है, कंपलसरी क्लासरूम ट्रेनिंग्स भी होती है, और कम्युनिकेशन स्किल्स वाला भी कुछ, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग होती है, मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऐसी अटेंड की है जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती है, कॉर्पोरेट फिनेंस, मतलब कॉर्पोरेट में किस तरह से बिहेव करना है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये सब बहुत तरह की अलग अलग ट्रेनिंग्स होती है जो बहुत हेल्प करती है आपको एज ए पर्सन इन्वॉल्व होने। 3 साल के बाद आपको समझ में आता है व्हाट यू हैव बिकम। ये बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि ट्रेनिंग नाम की कोई चीज नहीं हुई, नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता, बट ऐसा था कि मतलब कॉन्स्टेंट सपोर्ट था, कि बोले ना कि आपको तुरंत भेज देते थे तो आप थोड़े बहुत ब्लैंक होते थे, बट एक सीनियर आपके साथ एक कॉन्स्टेंट बॉस आपको कभी भी दिखेगा तो वो आपकी हर एक क्वेरी सॉल्व करेगा, इजीली कॉन्टेक्ट, और थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो तो वो भी हेल्प कर सकता है, मतलब अल्टीमेट बॉस से मतलब डायरेक्ट मालिक के साथ कांटेक्ट हो तो उसके बाद तो हमें क्या जरूरत है। और ऐसा बोलते हैं कि बिग फोर में जैसे ही आप सिलेक्ट हो गए, क्या कुछ स्टार्टिंग में कुछ बाहर भी ले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए? मतलब पहले 10 दिन के लिए आप लोगों का एक ट्रेनिंग होता है जिसमें पूरा फॉर्म के बारे में सिखाते हैं, उधर ही अहमदाबाद, मतलब मुंबई जाते हैं, ये अहमदाबाद से था तो उनको मुंबई भेजा था, मतलब मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस भी उन्होंने दिया था, उन्होंने अहमदाबाद से मुंबई भेजा था, मेरा फर्स्ट नहीं था, आई थिंक सेकंड या थर्ड था, आई रिमेम्बर दिस सो वेल। मुझे पहली बार में जैसे सिलेक्ट हुआ और बोला आपको लोनावला जाना है, मतलब ओहो ये अभी क्या आते ही लोनावला खर्चा हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया हम लेके जाएंगे, आपके साथ 10 दिन बिताएंगे, 4-5 घंटे आपको पढ़ाएंगे, बाकी डू व्हाटएवर यू वांट। पूरे आर्टिकल्स आते हैं, चेन्नई से आर्टिकल होते हैं, बेंगलोर से होते हैं, मुंबई से होते हैं, अहमदाबाद से होते हैं, हर एक जगह से जो लोकेशंस पे बिग फोर है सब आर्टिकल साथ में आते हैं, एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। आप कुछ बताना चाहेंगे? तो उस उधर जो आप होता है उसको पूरी फॉर्म के बारे में बताते हैं, आपको किस तरह से बिहेव करना है, क्या करना है, उनके सॉफ्टवेयर सिखाते हैं उनको, क्योंकि ऐसा है कि उधर सॉफ्टवेयर से काम करना तो वो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लाइंट प्लेस पे भेजेंगे तो किस तरह से काम करेंगे। तो 15-20 दिन के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, आप एंजॉय भी करते हैं वहाँ पे, वो अलग एक पेस होता है, आप एंजॉय करते हो, अलग पेस पे जाते हैं, तो ऑफकोर्स वो एक बहुत एनरिचिंग होती है। यस, तो ऐसा वो आपको बताना चाहते हैं, आपके पीछे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5-स्टार रिसोर्ट में रखते हैं, 4-स्टार प्रॉपर्टी में रखते हैं, खाली बताने के लिए, छोटा नको सोचो, आप बहुत अच्छी जगह पे आए हो। लोग बोलते हैं सीए के अंदर ये होता है, बिल्कुल नहीं होता, दोनों का अलग एक्सपीरियंस है। सर स्मॉल फर्म में ये नहीं होता तो डिसएडवांटेज? बिल्कुल नहीं, उसमें तो हैंड ऑन बॉस आपके साथ है, जिसने पूरा सीए का जर्नी देखा है वो आपको हर एक दाव पेच सिखाएगा, लाइफ में वो हर एक दाव पेच आपको कभी ना कभी जरूर काम आएगा। और सर ये बात आप कह रहे हो कि मतलब ट्रेनिंग के लिए आउटस्टेशन है, हमारा तो मतलब फॉर्म मतलब मैंने सिलेक्ट भी वैसे ही किया था कि आउटस्टेशन ऑडिट भी नहीं था। ओके,
तो कुछ कुछ लोगों को आउटस्टेशन बिल्कुल पसंद नहीं, लेक्चर्स पसंद थे, तो मैंने सोचा कि आउटस्टेशन करूं या इधर ही कर लूं, क्योंकि हमारे पास काफी क्लाइंट्स, क्लाइंट बेस अच्छा था, बराबर, तो मैंने सोचा कि आउटस्टेशन करूं या इधर करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आउटस्टेशन ना हो वैसी टाइप की। ओके, कुछ लोगों को स्पेशल होता है आई डोंट वांट टू डू आउटस्टेशन, गर्ल्स को भी होता है, तो आई थिंक नॉर्मल फॉर्म बिग फोर में बहुत आउटस्टेशन, आप कितनी बार आउट गए हो? नॉर्मली बिग फोर के अंदर आउटस्टेशन बहुत रहता है, आप पूरे एक हफ्ते के लिए वहीं रहते हो, मतलब जहाँ गए वहीं रहते हो। मेरे एक फ्रेंड तो ऐसा था कि पूरे एक महीने ही बाद में आता था, मतलब हम लोग रूममेट थे तो एक महीने बाद में आता था रूम के अंदर, बोलता मैं आके, तो उस तरह से रहता है सिचुएशन कि आप आउटस्टेशन रहते हो। हॉस्टल लाइफ में कभी कभी अच्छा भी होता होगा, खाना अच्छा मिलता है। हॉस्टल लाइफ अगेन जो बाहर से हो तो हॉस्टल लाइफ वाले बहुत एंजॉय करते हो, बहुत ग्रुप बन जाता है हॉस्टल वाला भी अगर बाहर से हो आपको, और वही अगर फ्रेंड आपके ऑफिस में भी हो तो डबल मजा है। तो आउटस्टेशन क्लाइंट ज्यादा रहेंगे वो सोच के ही चलना बिग फोर के अंदर रहेंगे, डिपेंड्स कि कई बार आपका ग्रुप ऐसा होता है कि जहाँ पे आउटस्टेशन क्लाइंट नहीं होता तो आप फॉर्चुनेट बट रहते हैं आउटस्टेशन। आउटस्टेशन रहते हैं। आई हैव बीन टू यूएस इन माय आर्टिकलशिप, आई हैव बीन टू बांग्लादेश, ओके, दोनों एक्सपीरियंस हमने टेट्रापैक का एक काम बांग्लादेश में किया था, तो ये सब आई थिंक ये मैंने तो कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे इतना जाना पड़ेगा। और अब्रॉड लोग बोलते कभी अहमदाबाद के दूसरे एक से दूसरे एरिया में भी नहीं गया, पूरा आर्टिकलशिप उधर ही बीत गया और एक इंसान बांग्लादेश घूम के आ गया। तो ये आई थिंक बोथ हैव डिफरेंट फ्लेवर्स, ओके, बट सम पीपल डोंट लाइक आउटस्टेशन, तो उनके लिए आई थिंक नॉर्मल फॉर्म्स आर बेटर। बिग फोर में आपको आउटस्टेशन भेजते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट में कम होता होगा, इट्स बेटर टू क्लियर इन फर्स्ट एंड ओनली कि हाँ आप आउटस्टेशन रहेगा नहीं। आप इंटरव्यू में पूछ सकते हो, इंटरव्यू केवल वन एंड नहीं है, टू वे भी है, आप भी पूछ सकते हो कि क्या क्या रहेगा, क्लाइंट बाहर के रहेंगे कि नहीं रहेंगे, किस तरह का रहेगा, आप पूछ सकते हो। या हमको भी मतलब पहले से ही बोल के रखा था कि आउटस्टेशन ऑडिट नहीं है और ऐसे वर्क कैसा रहेगा वो सब मतलब बता के रखता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, और अगर ना बताए तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि मतलब पूछना। ओके, आप कैमरा पे प्लीज बोलिए, तो बेझिझक होके कुछ भी क्वेश्चन हो आपके मन में, मतलब जेन्युइन क्वेश्चन हो आर्टिकलशिप के रिलेटेड, तो प्लीज पूछना, मतलब उसमें कुछ हम भी क्या उनका इंटरव्यू ले सकते हैं बॉस का, ऐसे नहीं, बट थोड़ा बेसिक कैसा कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपकी वहाँ मतलब क्लाइंट बेस कैसे टाइप का है, तो आपको भी मतलब सिलेक्शन का पता चले। 3 years ऑफ योर लाइफ है भाई, आप प्लीज पूछिएगा, शर्माना नहीं आप कुछ नहीं कि क्लियर के आर्टिकल स्टाइपेंड मत पूछना होगा। हाँ, स्टाइपेंड मत पूछना, कुछ लोग तो बोले और आप ही जैसा गोपाल ने बोला इट्स टू वे, मतलब आप भी पूछ सकते हो कि क्या क्या हुआ, क्या क्या होने वाला है, कैसे क्लाइंट रहने वाला है, तो आपका भी राइट है, आप पूछ सकते हो और डेफिनेटली पूछना ही चाहिए। ओके, और काफी नॉर्मल फर्म में ऐसा भी होता है, मतलब मेरे फ्रेंड्स के मतलब मुझे पता चला है कि मतलब उधर भी डिपार्टमेंटेशन ऐसा हो जाता है जैसा बिग फोर में होता है, तो काफी फर्म ऐसे ट्राई करते हैं ना कि बिग फोर जैसा होना चाहिए, तो उनके वहां पे भी डिपार्टमेंटेशन होता है, तो वो भी क्लियर करना एक जरूरी पॉइंट है कि आपको मतलब अगर डीटी में रखा है तो आपको आईडीटी में जाने देंगे या ऑडिट में जाने देंगे कि नहीं। ऐसा बोलते हैं दूसरी फर्म भी अब स्पेशलाइजेशन में, जैसे ग्रांट थॉर्नटन है, राइट, ये बोले बिग फोर में नहीं आते, बिग फाइव में आते, बिग सिक्स में आते हैं, तो इनके उधर भी डिपार्टमेंटेशन है, तो आप ऐसी फॉर्म भी सिलेक्ट करो, तो बोलना उनको कि अगर आपको शिफ्ट होना है तो क्या ऐसा अलाउड है, आपको मल्टीपल हैट्स पहननी है, तो इफ यू वांट टू लर्न मल्टीपल स्किल्स एट द सेम टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे और हमारा आखिरी सवाल, व्हाट इज द फ्यूचर आफ्टर सीए, इन दोनों ने अपने लिए क्या सोचा है? इज इट वर्थ टू टॉयल और वर्क हार्ड 3 years ऑफ योर लाइफ, जीवन के 3 साल आप जिस चीज के लिए दे रहे हैं आर्टिकलशिप, क्या ये करना वर्थ है? बहुत बार ऐसा लगता है मैं छोड़ दूं, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं कोई और आसान कोर्स कर लेता, जीवन के 5 साल सीए करना वर्थ है? क्या ये सब मूवमेंट बहुत टाइम आपको लगता होगा क्या मैं छोड़ दूं, अब सीए क्यों किया है मैंने, इससे अच्छा जीवन में और कुछ कर लिया होता, क्लियर भी हो गया होता। सुबह 7 बजे आप उठते हो और कभी कभी सोने में 12-1 बज जाते हैं, और डेली जब ऐसा शेड्यूल होता है ना, इंसान को लगता है इससे अच्छा तो मर गया होता, वो ज्यादा इजी था, मैंने कॉलेज ही क्यों नहीं किया, मेरे बीकॉम वाले फ्रेंड तो है जलसा कर रहे, दे आर एंजॉयिंग एंड लुक एट व्हाट आई एम डूइंग, इज इट वर्थ टू डू ऑल सच हार्ड वर्क? सीए को पूछेंगे और जो रिजल्ट अवेट कर रहा है उसको भी पूछेंगे, और उसके बाद मेरे थॉट्स भी दूंगा, देखते हैं लाइव। सबसे पहले पीयूष से पूछेंगे, पीयूष, सो आफ्टर सीए ऑफकोर्स मैं 3 दिन पहले हमारा कन्वोकेशन हुआ है योर डिग्री, सो मैं ज्यादा इमोशनल अगर होने में बिलीव नहीं करता, लेकिन उधर हो ही जाता है, आप इतना इमोशनल लेवल हो जाता है कि अगर आपको डिग्री मिलती है, आप कन्वोकेटेड होते हो, तो एक नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है। जो आपने कुछ फोटो कन्वोकेशन का लिया है, हम ये फोटो भी डालेंगे बीच के अंदर, बीच में आर यू क्लियर, ताकि आपको समझ में आए। ओके, वो अलग ही लेवल का फीलिंग होता है जो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। दूसरा चीज ये कि जब आपका रिजल्ट आता है,
वो मैं डेफिनेटली डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, वो एक मिनट आपने आईपीसी का देखा होगा, उसके बाद में भी जर्नी बाकी है, लेकिन फाइनल के बाद में एक जर्नी खत्म होती है आपकी, तो आपको एक वो जब रिजल्ट एक पास देखते हैं ना, सो फील रिलीव कि हाँ ये खत्म हुआ, एक अब तक की लाइफ में आप भी कंक्लूड करेंगे तो अब तक की लाइफ में एक सबसे बड़ा अचीवमेंट यही होता है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वंडरफुल, इज द ओनली आई थिंक रिजल्ट के लिए आप जीते हैं। क्या रिएक्शन थे आपके घर पे व्हेन यू बिकेम सीए? जो मॉम डैड का जो रिएक्शन था, मतलब कैसे, मतलब वो इतना रोना, एक इमोशनल हो जाता है ना कि क्या कितना मेरे बेटे ने अचीवमेंट किया वो किया, सो एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग होती है आप जब सीए बन जाते हो, और उसके बाद में आप भी सर सपोर्ट करेंगे, इतनी अपॉर्चुनिटीज है। मैं मतलब आईसीआई के जो हमारे प्लेसमेंट्स होते हैं उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है, उसके बाद में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है सीए के लिए, जो बहुत मतलब आप किसी और स्ट्रीम में ना हो, इंजीनियर हो, मे बी इतना अचीव इतना ना हो जितना इसके अंदर हो। बहुत सारे एवेन्यूज ओपन है, यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट इन लाइफ। कभी कभी ऐसा लगता है छोड़ दे सब कुछ। डेफिनेटली, मतलब मैं एक बताना चाहूंगा, आर्किटेक्चरशिप के टाइम पे आपको बहुत टाइम ऐसा लगेगा, गोपाल को भी लगेगा, गोपाल भी बताएगा आपको, ये एक फीलिंग कई बार ऐसा आता है कि आप छोड़ छाड़ के चला जाऊँ, घर चला जाऊँ, इतना लोड। वो मोस्टली होता है जब आपके बीकॉम के एग्जाम भी होते हैं और जब आपको आर्टिकलशिप भी साथ में करना है। बीकॉम, आर्टिकलशिप, सीए के क्लास, इतना संघर्ष तो शायद प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं होता जो स्टूडेंट देखता है। तो उस समय तो ऐसा लगता है कि यार सब छोड़ दूं, क्यों कर रहा हूं मैं, कुछ वर्थ है कि नहीं है, लेकिन कीप गोइंग, चलते रहो। मतलब वो जैक मा का एक कोट है ना कि टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज मोर डिफिकल्ट, बट डे आफ्टर टुमारो इट इज गोइंग टू बी सनशाइन, बट मोस्ट ऑफ द पीपल क्विट ऑन टुमारो इज नॉट टुमारो इज इवनिंग, सो ट्राई करो कि गोइंग टू करते जो विल बी इट विल गिव अ गुड रिजल्ट। टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज इवन मोर डिफिकल्ट, बट डे आफ्टर टुमारो इज वंडरफुल। इसी दिन के लिए हम जी रहे, जब आप सीए बनेंगे ना, क्या ऐसा लगता है कि इट इज ऑल वर्थ? डेफिनेटली, वो सीए आगे लिखता है सीए पीयूष के गुप्ता, मतलब वो बढ़ा के चढ़ा के नहीं, बट दिस इज द ये ट्रू पावर आपको तब भी समझ में आएगा जब आप सीए डिग्री आप में ऐड हो ना, ऐसा लगता है जीवन में मैंने वापस जन्म ले लिया दूसरा, ऐसा काइंड ऑफ नेक्स्ट लेवल फीलिंग है जो आप बनने के बाद नहीं। ओके, गोपाल इज अवेटिंग रिजल्ट्स, लेट्स आस्क हिम, इज इट वर्थ? आपको कभी ऐसा लगा छोड़ दूं मैं? अरे मतलब पूरा रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है, और मतलब सोचे ना कि पूरा ऐसे बोले ना कि ऐसा लगता है एक बार कि बस छोड़ दो, वो मोमेंट आया है लाइफ में। मतलब ऐसा, मतलब एक स्टेज ऐसा था कि मैं इतना डाउन था कि मैंने बोला कि मैंने आपको भी कॉल किया था, मैंने बोला कि नहीं नहीं करना भाई, बहुत सीपीए करता हूँ। अरे सीपीए वो करते हैं जो सीए नहीं कर पाते, ये आप याद रखना साला, किसी चीज में आप आए हो ना, प्लीज आप बोलिए। मैंने मतलब देख लिया कि मतलब ऐसे उतार चढ़ाव इतने देखे ना आर्टिकल में, लोग को मतलब आप मतलब ये भी अग्री करेगा, मतलब आप है ना हर एक टाइप के लोग को देखते हो आप, मतलब रियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर लेते हो एक बार, ऐसा लगता है कि मतलब देख लिया सब कुछ, अब बहुत हो रहा है, अब बहुत हो रहा है, मतलब आप अपने इतने कम्फर्ट जोन में होते हो, मतलब आईपीसीसी तक आप घर पे रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ओके घर पे या ट्यूशन पे तो आपका एक कंफर्ट जोन होता है, आप ऐसे शांति से, उधर आपको काम मिलेगा, ऐसा लगेगा कि आप मतलब स्लेवरी कर रहे हो ना, ऐसे टाइप की फीलिंग आएगी। और लाइफ स्टार्ट्स आउट ऑफ कंफर्ट जोन। मैंने मतलब एक पॉइंट ऐसा था कि क्विट कर ही देता हूँ भाई, बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, बट आपने कुछ बैग में फॉर्म भी रखा था। मैं ये सच बात है, मैं बैग में मतलब मैंने सर को कभी नहीं दिखाया, मतलब मेरे जो आर्टिकलशिप में मतलब जो थे प्रिंसिपल उनको नहीं दिखाया, बट मतलब मैं बैग में 109 फॉर्म लेके चलता था, जो ट्रांसफर फॉर्म होता है, जो आपको अभी पता चलेगा आप फॉर्म्स के बारे में सर्च करोगे, अभी 102 103 वो सब भरोगे, ट्रांसफर का फॉर्म जो होता है, तो ट्रांसफर का 109 मैं बैग में लेके चलता था, मैं बोला आज दे दूंगा आज दे दूंगा, ऐसी फीलिंग भी थी। बट बाद में मेरे एक फ्रेंड है यशांक करके, उसका भी अभी रिजल्ट अवेटेड है, ओके, और उसके पापा ने मतलब एक लाइन बोली थी जो मतलब दिल को छू गई थी, कि उन्होंने ऐसा बोला कि मैं बोल रहा था उनको कि ऐसे सीपीए कर लूंगा, ये कर लूंगा, छोड़ देना है सीए तो तेल लेने का, ऐसा सब सोच रहा था, तब उन्होंने सिर्फ इतनी लाइन बोली कि तू अभी क्विट करेगा ना, ये मतलब अभी स्टार्ट है जर्नी का, अभी क्विट करेगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सर बनेगा कि अच्छा ही जाएगा आगे जाके, बट बाद में ना क्विट करने की एक हैबिट पड़ जाएगी, फिर है ना क्विटर बन जाओगे आप लाइफ में, कि आपको मतलब एक हैबिट अगर पड़ जाती है, जैसे मतलब अल्कोहल की हैबिट पड़ जाती है तो नहीं छूटती, क्विटिंग की भी आपको एबिलिटी आ जाएगी, कि ऐसे बोले ना कि अब तो यार ये छोड़ दिया ये कर लेता हूँ, अभी सीपीए मैंने कर लिया होता तो मैं बोलूँगा चल एमकॉम कर लेता हूँ ना, सीपीए क्या करने का, एमकॉम करके कुछ अकाउंटिंग क्या कर लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो जो उन्होंने बोला ना वो छू गई थी, और मैंने बाद में कभी क्विट नहीं किया। मैंने सोचा काफ़ी बार कि मतलब नेगेटिव पॉइंट्स आते थे, प्रोज भी है कॉन्स भी है, और हर एक फॉर्म में होगा, मतलब नॉर्मल फॉर्म हो या बिग फोर हो, आपके मतलब प्रोज एंड कॉन्स है ही, बट
ऐसे कौन जितने छूते हैं ना आपको, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं है रियल वर्ल्ड को, आप रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करोगे। और मैं तो बोलता हूँ प्लीज करना एक्सपीरियंस, आप नॉर्मल फॉर्म करो, छोटी से छोटी फॉर्म में भी करो, कभी डमी का बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब मैं आज बोलता हूँ कि वर्थ इट है। मैं तब आर्टिकलशिप चल रही थी ना, मैंने काउंट डाउन रखा था कि ये डे को मेरी खत्म होगी, मैं सबको दिखा था कि देख भाई 45 डेज ये और सब जो जलते थे जूडियस, बट नहीं, मतलब वर्थ इट है। और आप मतलब मेरा तो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, उसकी वजह से जो इम्प्रूव हुआ है, मतलब मैं अभी माइक होल्ड कर रहा हूँ, वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं नहीं कर पाता था कुछ भी, मैं आर्टिकलशिप में रह रहे के मैंने काफी बार एंकरिंग भी की है ICI में और वो सब में। okay. तो मतलब वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़े, वो एक आर्टिकलशिप का ही मतलब एक जरिया है। और मैं काफी क्लाइंट प्लेस में गया हूँ, तो हर एक क्लाइंट में मैंने सीखा है कि कैसे बात करना है लोगों से, क्या बात करनी है लोगों से। अभी पार्टनर डायरेक्टर से भी इंटरेक्शन होते थे, तो वो लोग भी मतलब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, वो भी एक अलग मतलब अलग लेवल की बातें होती थी। तो वो सब जान के मतलब इतना सीखा है कि लगता है कि बॉस वर्थ इट है। ऐसे आपको आलस भी आएगी काफी बार, मैं तो बोलता हूँ कि एटीट्यूड का गेम है बॉस, कि मतलब आपको सोचना है कि आपकी सोच कैसी है। मेरी मतलब कोई भी फर्म होगी, बिग फोर भी होगी, तो ऐसे लोग होंगे कि है ना मतलब आलसी होंगे, नहीं करना काम, उनको काम नहीं भी मिलेगा, बट आपको अगर काम करने की इच्छा है ना, आपको हर एक टाइप का काम मिलेगा। जैसे मैंने हर एक टाइप का काम एटलीस्ट ट्राई किया, मैंने बाद में सबसे ज्यादा तो ऑडिट पे ही रहा, बट मैंने हर एक काम का मतलब एक बार लेवल ले लिया कि कैसा है। तो वो एक बोलते हैं ना कि अंदर से एक एंथुसियाज्म होना चाहिए कि काम करना है बॉस। और खास करके जो 1.5 ईयर हो जाता है ना, 1 ईयर 1.5 ईयर, वो आर्टिकल भाई बड़ा परेशान होता है, उसका ट्रांसफर का जो सोच आता है ना वो मतलब। आप अगर सोच रहे हो तो प्लीज आप देखिए ये, खास हर इंसान को ऐसा होता है, मैं छोड़ दूं, सीए छोड़ दूं, क्यों आर्टिकलशिप कर रहा हूं, डमी ले लेता हूं, पर एवरीथिंग इज वर्थ इन द एंड, एवरीथिंग इज वर्थ इट। और मतलब बोले ना, मेरा मतलब रिलेटिव के वहां नहीं था, मतलब रेफरेंस के थ्रू था, बट वो कोई रिलेटिव नहीं थे, तो मेरे साथ जो ट्रीट होता था वही सबके साथ ट्रीट होता था, वैसे टाइप का था। तो मतलब बोले ना कि वर्थ इट है, कि आप कर रहे हो करते जाओ। और 1.5 ईयर के बाद सोच आई थी, मैंने बोला कि फॉर्म रखता था, मैं आपको कॉल करता था कि भाई छोड़ देना है जीजू, नहीं करना, सब बराबर है, बट बोले ना कि करो, बहुत अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। मेरे को तो अभी ऐसा भी लग रहा है, कभी 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 ऐसा भी सोचता हूँ कि CA का शायद कुछ ना भी करो आगे जाके, पर ये जो किया ना मतलब 3 साल, काफी अच्छे फ्रेंड्स बनाए, काफी मतलब क्लाइंट्स भी मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो वो सब भी जो होता है ना वो अलग ही होता है। मेरा इवन आर्टिकलशिप के बाद भी काफी बार कॉल आता है कि ये क्वेरी है कोई अकाउंटेंट्स की या ऐसे, तो अच्छा लगता है कि ऐसे बोले ना कि अभी भी याद रखते हैं, तो वो एक कनेक्शन बन जाता है। Some things can't be defined in words. Attitude matters. Attitude really matters कि आप सोच लिया है कि करना है बॉस तो करना ही है। तो उसमें बहुत ही ऐसा दिखा है मैंने कि मेरे फ्रेंड्स भी काफी होते थे, तो वो लोग भी बोलते थे कि हमारे फर्म में तो लोग ऐसा भी करते हैं, शाम से गापली मतलब होता है, बंक मारते हैं काफी, चोरी करते हैं काम में, घूमने जाते हैं, हर जगह होते हैं, तो वो मत करो, मतलब जेन्युइनली कर लो, तो okay. यही बात। तो जस्ट टू कंक्लूड, मतलब मैं इस तरह से सोचता, क्या एक टनल है, इट्स अ काइंड ऑफ टनल, दिस 3 ईयर्स इज अ टनल, आप उसमें ग्रिंड होके जाते हो, इट्स अ प्रोसेस, मतलब आप एंजॉय करते हो उस प्रोसेस में, कभी रिजेक्ट होने की फीलिंग भी आती है, कभी बहुत गंदा फील आता है कि क्विट कर दूं, जैसे गोपाल ने बोला, सब तरह की फीलिंग आती है, बट आप वो एज ए पर्सन इवॉल्व होते हो उस प्रोसेस के अंदर, जब वो प्रोसेस के बाहर आते हो तो एक अलग तरह की पर्सनल वाटर राइड जैसा है, अंदर बहुत ही आपको लगता है बाहर निकलूंगा निकलूंगा, बट व्हेन यू गेट आउट आपको जो फीलिंग आती है ना, हाँ यार मैंने ये राइड कंप्लीट कर दी। अभी जैसे गोपाल ने भी बोला, बीट स्मॉल साइज, बीट मिड साइज, और फॉर दैट मैटर बिग फोर, कुछ भी हो, काम करने के लिए कहीं भी आपको काम मिलेगा, कहीं पीछे नहीं रहेगा, काम करने वाला कहीं पीछे नहीं रहने वाला है, तो आप कहीं भी रहो काम करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं गुजरात में आके सिखाऊँ, गुजराती लोग इज लाइक एंजॉय द वर्क, तो यहाँ आके मतलब वो क्या बोलते हैं इन लोगों की जलसा पार्ट में, जलसा कर एंजॉय द प्रोसेस, लाइफ टफ है, इतना एंजॉय करके काम, इवन CA फाइनल का जो जर्नी है जो लास्ट के 6 महीने आएगा, उसको भी इतना एंजॉय करके पढ़ना चाहिए ना कि वो याद रहे, मेमोरेबल रहे कि हाँ मैं पढ़ा था, वो याद आने वाले टाइम बहुत याद है। तो उसी तरह से ये 3 साल भी, मतलब अगर एक प्रिंसिपल से तो क्या ध्यान रखना, एक काम है मेरा, एक आर्टिकलशिप मतलब काम है मेरा, मेरा CA फाइनल का पढ़ाई है, और तीसरी चीज है मेमोरीज जो दोस्तों के साथ होगी, 3 चीजें पे कराना, तो इट्स गोइंग टू बी बेस्ट एक्सपीरियंस एंड एट द एंड एंजॉय द प्रोसेस। ओके, और
मैं मतलब एक बात और बताना चाहूंगा कि मतलब ये जो जर्नी है ना, मतलब बहुत ही मतलब बड़ा पीरियड है, तो आप है ना मतलब सिलेक्ट करते वक्त प्लीज बहुत ही ध्यान से सोचना। मतलब ये ऐसा ऐसी चीज लगती है आपको कि चलना यार कोई भी फर्म में ज्वाइन हो जाएंगे, मैं वैसे ही ज्वाइन हुआ था, बट ऐसे एक मतलब आपको एक एक्सपीरियंस लेना है, तो एक बार है ना मतलब जो आपके सीनियर्स बनने वाले हैं उनसे भी एक बार बातचीत कर लेना आफ्टर द इंटरव्यू कि भैया कैसा है, वो आउट ऑफ द ऑफिस बात करना, ऐसा नहीं कि आप अंदर ही बात कर, वो अंदर थोड़ी कुछ बोलेगा तो मतलब एक बार बात करना, आपको कौन बोलेगा पर वो आपको प्रोज बोलेगा ना, वो प्रोज आपको कितने अच्छे लग रहे हैं वो देखना, तो वो एक बड़ी बात है। तो सब सर बोलेंगे क्या, एंजॉय द वर्क एंड डू द वर्क। ओके, लास्ट वी वुड लाइक टू से डोंट वरी एट ऑल, दिस इज द बेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ। अभी आपको डिमोटिवेशन लग रहा है, बिल्कुल डिमोटिवेट ना होइए, ये आपके जीवन की सबसे अच्छा टाइम आने वाला है। कभी आपको खराब भी लगता है, यू आर डाउन, यू डोंट लाइक थिंग्स, यू आर डिप्रेस्ड, हर इंसान के साथ होता है, बट जब बाहर निकलते हैं ना, जब आप सीए बनते हैं, ऐसा लगता है हर चीज वर्थ है। और क्या डिमांड है सीए का यार, मैं आपको बताना चाहूंगा, देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर चार्टर अकाउंटेंट्स इन ब्राजील, इवन कनाडा इज ओपन टू चार्टर अकाउंटेंट्स, भारत या दुबई चार्टर अकाउंटेंट्स, टैक्स हेवन नहीं है दुबई, कतार में वैट आ रहा है आपको नहीं पता तो, और जिनको नहीं पता 2022 का वर्ल्ड कप भी कतार में हो रहा है, क्या पता आप कतार में जॉब कर रहे हैं वैट डिपार्टमेंट में, और सीए की बहुत जरूरत है उधर, और लाइफ आप फाइनल मैच वर्ल्ड कप का देखोगे, राइट? तो दीज आर स्मॉल थिंग्स, डोंट लाइफ, आई यू नेवर नो लाइफ किधर आपको लेके जाएगी, इंजॉय द प्रोसेस, लाइफ हार्ड है, आज गोपाल की लाइफ में दुख है, पीयूष की लाइफ में दुख है, इन दोनों ज्यादा दुख मेरी लाइफ में, बट हंसते मुंह हमें इसको फेस करना है, राइट? लाइफ इज टफ, देयर आर गोइंग टू बी टफ टाइम्स, देयर आर गोइंग टू बी बैड डेज, देयर आर गोइंग टू बी गुड डेज, बी नॉर्मल इन लाइफ, इंजॉय द प्रोसेस, राइट? ऐसा बोलते हैं, इट्स वॉट यू डू इन डार्क दैट मेक्स यू इन लाइट, आर यू क्लियर? जो आप डार्क में काम करो वही आपको एक दिन लाइट पे लेके जाएगा, जितना आप संघर्ष कर रहे हो ना कोई जरूर देख रहा है, और भगवान आपको श्योरली उसका रिवॉर्ड देगा, और जब तक जीवन है संघर्ष तो चालू ही रहने वाला है साहब, कभी छोड़िए नहीं, वही इंसान सक्सेसफुल होता है जो इस जर्नी को इंजॉय करता है एवरी सिंगल डे, डोंट क्रिटिसाइज, बी हैप्पी, और अल्टीमेटली आपका हर एक सपना सच होगा, और हर इंसान जो ये वीडियो देख रहा है वो चार्टर अकाउंटेंट जरूर बन जाएगा। आप हर एक स्टूडेंट के साथ वीडियो को शेयर करें, बहुत सारा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इसी तरीके से हम आपके लिए नया कंटेंट लाते रहे। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आई होप यू एंजॉयड, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, ये दोनों जवाब भी देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस प्लीज।